ये वाला सबसे फर्स्ट राइड आप लोगों को देखने को मिलता है। ये देखो, इसका नाम है जंगल फ्रेंड्स। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये होने वाला है वेव पूल, जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है पूरे वाटर पार्क का। ये होने वाला है रेन डांस। तो रेन डांस से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सच में यहाँ पे रेन होने वाला है। इस वाटर पार्क में ना सिर्फ आप लोगों को वाटर पार्क का चीज नहीं मिलने वाला है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये है ना। सो गाइस, और एक चीज जो हम बोले थे ना, एक स्पेशल चीज आप लोगों को बताएंगे कपल्स के लिए। तो गाइस, कपल्स के लिए स्पेशल चीज होने वाला है ना, बोकारो के फन मैजिक का वाटर पार्क, और इसका पूरा टूर देने वाले और सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग बताने वाले, सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले। तो व्लॉग पे एकदम बने रहना और चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा एंट्रेंस गेट है फन मैजिक का वाटर पार्क का, तो चलो अब अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आप लोग को देखो ऐसा शेर मिल जाएगा, ठीक है, शेर मिल जाएगा, भूत खोपड़ी सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलो यहाँ से एंट्री लेते हैं, और अभी काम चल रहा है, आप लोगों को फुल एकदम टूर देने वाले हैं। ये देखो, ठीक है, ये सब हाथी होती भी लगने वाला है। और ये देखो वाटर पार्क का नज़ारा आप लोगों को दिख ही गया होगा। अरे बच्चा सब घूमने आया है। सो गाइस, आप लोग जब भी वाटर पार्क आओगे ना, सबसे पहले आप लोगों को ये दिखने वाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ये जंगल फ्रेंड्स नाम से राइड। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को पूरा टूर देते हैं। सो गाइस, ये वाला सबसे फर्स्ट राइड आप लोगों को देखने को मिलता है। ये देखो, इसका नाम है जंगल फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके नीचे में पूल है। ठीक है, देखो स्लाइड करने का बहुत सारा तरीका है भाई। या तो आप एकदम सूद के साथ स्लाइड कर सकते हो, या फिर एकदम बैठ के स्लाइड कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा। ठीक है, इसके अंदर गोल गोल घूम के स्लाइड कर सकते हो, तो बहुत सारा ऑप्शन है। और उधर देखो भाई, ऊपर दिखाओ भाई उधर। तो ये देखो, ये है बाल्टी वाला। ठीक है, तो बाल्टी उलटता नहीं है। ठीक है, बाल्टी भरने के बाद पूरा एकदम पानी फैलने वाला है, तो वैसा वैसा चीज़ आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे पहला राइड में। ठीक है, तो चलो आप लोगों को दूसरा राइड दिखाते हैं। सो गाइस, जो सेकंड राइड होने वाला है, ये होने वाला है ये स्लाइड वाला राइड। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितना ऊंचा ऊंचा स्लाइड है भाई, एकदम फुल ऊपर से आप लोग आओगे ना एकदम फुल स्पीड से और डायरेक्ट पूल में घुस जाओगे। दिखाओ पूल, दिखाओ भाई कितना बड़ा पूल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डीप पूल है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है 6 राइड। ठीक है, 6 राइड होने वाला है। और ये राइड देखो ना भाई, एकदम घुमा घुमा के लगे तो आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा गाइज। और इसके लिए आप लोगों को चढ़ना पड़ेगा उस बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, स्टेयर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, तो चलो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन से स्टेयर्स आप लोग चढ़ोगे और इतने ऊपर जाओगे और फिर स्लाइड करोगे गाइज। तो चलो मेरे साथ। तो गाइज आप लोगों को जो स्लाइड दिखाए ना, आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे आप लोग पहुँचोगे कैसे। तो ये देखो यहाँ पे स्टेयर्स है और आप लोगों को 3 फ्लोर्स चढ़ना पड़ेगा। 3 फ्लोर से आप लोग डायरेक्टली स्लाइड से नीचे आओगे, तो बहुत स्पीड में आओगे, डायरेक्ट पूल में घुसोगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज, अब जो आप लोगों को दिखाने वाला है ना, ये होने वाला है रेन डांस। तो रेन डांस से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सच में यहाँ पे रेन होने वाला है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन, फन मैजिका का रेन, क्योंकि गाइज यहाँ पे देखो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, फुल मौज एकदम होने वाला है। जैसे बरसात में कैसे होता है वैसा ही एकदम सीन रहने वाला है। और ये काउबॉय थीम पे बेस्ड है, आप लोग जैसे यहाँ पे नाम देख सकते हो काउबॉय। ठीक है, तो ये देखो फुल यहाँ पे अंदर जाओगे ना तो फुल बारिश ही बारिश होने वाला है, आप लोग पूरा मौज ले सकते हो। देखो, और दूसरे वाटर पार्क में क्या होता है कि पाइप लगा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एकदम मॉडर्न टेक्निक यूज किया गया है, तो यहाँ पे आना और यहाँ पे बारिश वाला फील लेना एकदम। सो गाइस, अब जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं ना, वो होने वाले बच्चों के लिए पूल। एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स यहाँ पे इंजॉय करेंगे बड़े वाले पूल में, और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इंजॉय करेंगे गाइज। ये वाला जो पूल है ना, ये देखो ये बहुत ही ज्यादा कम गहरा है, तो बच्चे ना इसमें डूबेंगे नहीं। और देखो यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड भी है, तो इधर इसके मुंह से, ये डक के मुंह से आप लोग निकल सकते हो। ठीक है, इधर से चढ़ने के बाद। तो गाइज बच्चों के लिए भी ध्यान रखा गया है, खासा ध्यान रखा गया है, क्योंकि पेरेंट्स इंजॉय करें तो बच्चे क्यों मतलब इंजॉय ना करें, तो उन लोगों के लिए भी ये है छोटा सा पूल। सो गाइज, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये होने वाला है वेव पूल, जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है पूरे वाटर पार्क का, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले वेव्स। जैसे आप लोग सीज में देखते हो ना कैसे वेव्स आता है, एकदम ढेव आता है, वैसे वाला फील यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे इधर दिखाओ भाई, यहाँ पे भी रेन वाला इफेक्ट मिलने वाला है, पूरा पानी का फव्वारा मिलने वाला है। तो इसके लिए ना हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ठीक है, हम किसी भी वाटर पार्क का वीडियो देखते थे तो ये वाला देखिए ना, मेरे को मज़ा आ जाता था। तो ये वाला मेरे को एंजॉय करना है, और आप लोगों को भी ये एंजॉय करना है कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, इस वाटर पार्क में ना सिर्फ आप लोग वाटर पार्क का मजा नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे और भी आप लोग बहुत ज़्यादा मज़ा मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल, तो गाइस और रिजॉर्ट भी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है, सिर्फ वाटर पार्क का मज़ा नहीं, सब चीज़ का मतलब लो। ठीक है, एकदम ग्लोबलाइजेशन होने वाला है गाइस। तो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा है पूरे वाटर पार्क का, ये देखो। ठीक है, तो अभी ना कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। ठीक है, ये देखो मतलब लगभग सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, इन लोग से हम पूछे तो बोले कि और ज़्यादा दिन नहीं, बस 2-4 दिन में खुलने वाला है, तो देखते हैं कि खुल पाता है कि नहीं खुल पाता है। और इस साइड में ना देखो, ये है रेस्टोरेंट,
ठीक है, तो इस साइड से आप लोग एंट्री लोगे, और एंट्री लेते हैं आप लोग ये वाला स्लाइड मिलने वाला जो कि आप लोग स्टार्टिंग में दिखाएं, और उसके बाद ये बड़े बड़े स्लाइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पूल रहा, और उसके बाद ये जो बच्चा वाला आप लोग दिखाएं वो है, फिर उस साइड में आप लोग जो दिखाएं ना दूर से, तो ये है वेव वाला पूल, ठीक है। सो गाइस ये वाला जो आप लोगों को स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, ये भाई सबसे गहरा स्विमिंग पूल रहने वाला है, क्योंकि ये इधर देख रहे हो ना, यहाँ तक मतलब 6 फीट गहरा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भाई सावधानी से ही उतरना आप लोग, और यहाँ से देखो आप लोगों को चढ़ना पड़ेगा जो कि आप लोग अभी दिखाएं, और इस साइड में बैंकेट हॉल बनने वाला है, रिजॉर्ट बनने वाला है। तो हेमंत भाई पूरा थक गया वीडियो बना बना के, क्या बोले हालत खराब हो गई हम लोग तब से, बहुत देर से मतलब शूटिंग कर रहे हैं। सो गाइस इस पार्क का एंट्री फीस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, तो गाइस इसका एंट्री फीस होने वाला है 500 रुपीज, और वीकेंड्स में होने वाला है 600 रुपीज गाइस, ठीक है। और इसका जो अलग से आप लोगों को कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा, मतलब आप लोग घर से जो कपड़ा पहन के आओगे ना, उस कपड़े में आप लोग यहाँ पे आके नहीं कूद सकते, यहाँ पे नहीं स्विम कर सकते, यहाँ पे नहीं मौज कर सकते, आप लोगों को लेना पड़ेगा अलग से स्विमिंग सूट, नहीं बोलते भाई उसको, इसके लिए जो वाटर पार्क के लिए अलग, देखना जितने भी वाटर पार्क है सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। सो गाइस और एक चीज जो हम बोले थे ना, एक स्पेशल चीज आप लोगों को बताएंगे कपल्स के लिए, तो गाइस कपल्स के लिए स्पेशल चीज होने वाला है ना, यहाँ पे रिजॉर्ट भी होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। मतलब जैसा होटल होता है ना वैसा आप लोग स्टे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग वाटर, मतलब जो बोकारो से बाहर से हो, ठीक है, आप लोग आओगे तो सिर्फ वाटर पार्क का मजा लेके आप लोग जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने खास फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्या भाई तुम एंजॉय करेगा कि नहीं करेगा? हम इतना खुश क्यों हो रहा है यार? अरे तुम्हारे पास, तुम्हारे, मेरे लिए ये चीज नहीं है, तुम्हारे पास तो रीजन है ना खुश होने के लिए। नहीं भाई मेरे लिए तुम है ना यार। हाँ मेरे साथ स्टे करेगा क्या? अरे सो गाइस देखो अभी हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो देखो एकदम शाम हो गया है, ठीक है, और अभी हम लोग घर निकलने वाले हैं, तो हेमंत भी पूरा थक गया क्या भाई? बहुत थक गया यार, 4 बजे आए हुए अभी, 6:30 अभी हम लोग पूरा रील्स पे रील्स बनाए हैं, ठीक है, उसके बाद अभी पूरा ब्लॉग बनाए हैं, तो देख रहे हो, और इधर देखो फोटोग्राफी चल रहा है। तो भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई आ नहीं रहा है क्या भाई? बगल का बाप रे बाप, शाम होती इतना भीड़ भाई, बच्चे लोग इतना भीड़, बगल वाला जो गांव है ना वहां का सारा बच्चा यहीं पे आ जाता है, ठीक है, मतलब इन लोगों को परेशानी होने लग जाता है काम करने में, इतना मतलब ज्यादा क्राउड हो जाता है। और देखो ये सब जो कैरेक्टर्स है ना, ये सब भी यहां पे इंस्टॉल होने वाले हैं, ठीक है, तो चलो अब हम लोग बाहर निकलते हैं, ये देखो ऐसा कुछ था। सो गाइस चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ब्लॉग जरूर लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो भी कर लो, और गाइस अगर आप लोग इंस्टाग्राम से आए हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, टिल देन बाय और लव यू ऑल गाइज़।